बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं नाज़िर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश व खुर्रम रखे और हमेशा अपनी ज़ुमान में रखे, आमीन। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊँगी और साथ में आपको स्ट्रॉबेरी जो है इसे स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो आप नोट डाउन कर लें। मिल्क मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 kg। ये फुल फैट मिल्क है, डब्बे का दूध नहीं है। और शुगर हम ले रहे हैं 4 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में हम लेंगे वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम के मैं 2 स्कूप्स यहाँ पे यूज़ करूँगी। और साथ में ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हम लेंगे 1 कप। और बाकी की ये जो स्ट्रॉबेरी है इसे हम स्टोर करेंगे और मैं आपको स्टोर करने का तरीका बताऊँगी कि किस तरह से स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं इन्हें स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एयरटाइट कंटेनर लिया है और साथ में स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं। और स्ट्रॉबेरीज़ के ये जो लीव्स हैं इन्हें हम उतार देंगे नाइफ़ की मदद से उतार के, और एयरटाइट कंटेनर में रखते जाएंगे। और ये देखिए सारी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं ये हमने यहाँ पे एयरटाइट कंटेनर में रख ली हैं और सबके लीव्स जो हैं हमने नाइफ़ की मदद से उतार दिए हैं। तो इसे स्टोर करके रख लें, आप फ्रीज़ कर लें और आपका जब दिल करे आप यूज़ करें। तो ये देखिए यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं मैंने कट कर ली थी, बड़े साइज़ की स्ट्रॉबेरीज़ थी। और 1 कप लिया स्ट्रॉबेरीज़ का। और यहाँ पे ब्लेंडर का एक जार हम लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे स्ट्रॉबेरीज़। और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी। दूध ऐड कर देंगे इसमें। कवर करेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए कितना जबरदस्त था हमारी स्ट्रॉबेरीज मिल्क शेक का जो है वो कलर है। और इसके साथ ही इसमें जो है आइसक्रीम डाल देंगे इसमें और आइस डालेंगे। आइस भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ठंडा पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल पीना पसंद करते हैं। और ये देखिए जो शेक है हमारा बहुत ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो गया। अब इसे ग्लास में डालेंगे और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को फुल वॉच किया करें और स्किप ना किया करें, और वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो ये देखिए मिल्क शेक जो है हमने वो ग्लास में डाल लिया है और इसके बाद इसमें स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो ग्लास पे लगा देंगे, डेकोरेट कर देंगे ग्लास को। और कितना ज़बरदस्त सा मज़े का स्ट्रॉबेरी शेक जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इसको इफ्तार में बनाएं और बच्चों को दें बना के, ये बहुत हेल्दी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आपको बाज़ार से पीने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे बनाएं, खुद भी पिएं, बच्चों को भी दें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।